टॉप 5 एनएक्सटी कॉलअप्स एंड हु आर दे। लेटेस्ट रेसलिंग न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। पांचवे ड्रू मैकेंटायर। ड्रू का ये एनएक्सटी कॉलअप स्लैश डब्ल्यूडब्ल्यूई कमबैक था, इसलिए इस लिस्ट में हमने ड्रू मैकेंटायर को पांचवे नंबर पर रखा है। ड्रू का एनएक्सटी कॉलअप बहुत पहले हो जाना चाहिए था। सर ड्रू के एनएक्सटी चैंपियनशिप मैच में ड्रू मैकेंटायर इंजर्ड हो गए थे, इसी वजह से इनका कॉलअप लेट हो गया। ड्रू एक सॉलिड इंग्रिंग परफॉर्मर है और इनके प्रोमोस भी काफी अच्छे रहते हैं। एनएक्सटी में ये बेबी फेस थे, अब मेन रोस्टर में ये आके हील है। ड्रू इजिली एक मेन इवेंटर है। एम्बर मून। NXT टेको न्यू ऑर्लिंस में एम्बर मून ने अपना NXT वुमेन्स टाइटल शीना बेजलर से हारा। मून NXT की बेबी फेस चैंपियन थी, इनका इन रिंग प्रेजेंस काफी अच्छा है और एम्बर का फिनिशिंग मूव एक्लिप्स जबरदस्त है। तीसरे सैनिटी। सैनिटी एक टैग टीम फैक्शन है जिसमें उनके लीडर एरिक यंग के साथ किलियन डीन, अलेक्जेंडर वुल्फ और निकी क्रॉस है। अब स्मैकडाउन में एरिक यंग, समोआ जो और एजे स्टाइल्स है, जो एक समय के TNA के मेन इवेंटर्स थे। सैनिटी सिर्फ एक टैग टीम ही नहीं, सिंगल्स कंपटीशन में भी एरिक यंग और किलियन डेन अच्छे कर सकते हैं। लगता है कि निकी क्रॉस का कॉलअप नहीं हुआ है, सिर्फ 3 मेल मेंबर्स का हुआ है। दूसरे ऑथर्स ऑफ पेन, रेजर और एकम के टीम में एकम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं। NXT में AOP ने पूरे टैग टीम डिविजन को डोमिनेट किया था। इन लोगों से अगले कुछ हफ्तों में स्क्वैश मैचेस देखने को मिल सकते हैं। NXT में AOP का लास्ट मैच NXT न्यू ऑर्लिंस में था, जहां अनडिस्प्यूटेड एरा और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और पीट डन से वो लड़े NXT टैग टाइटल्स और डस्टी रोड ट्रॉफीज के लिए। पहले आंद्रादे सियान एल्मस और जेलिना वेगा। एल्मस अगले बड़े स्टार बन सकते हैं। एल्मस की इन-रिंग स्किल्स जबरदस्त है, इनकी प्रोमोस को वेगा संभाल सकती है। एल्मस NXT के एक्स चैंपियन है। NXT न्यू ऑर्लिंस में एलिस्टर ब्लैक ने इन्हें NXT चैंपियनशिप में हराया। एल्मस को मेन रोस्टर में आते ही US चैंपियनशिप में ऐड कर देना चाहिए। फ्रेंड्स, आपका फेवरेट NXT कॉलअप कौन था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।